डीसीपी द्वारका एंटो अल्फानसिन पहुंचे नजफगढ़ थाना अचानक और किया निरीक्षण। जी हां, लॉकडाउन 4 के तहत नजफगढ़ मार्केट में पहुंचे और निर्देशित किया। इसके साथ उन्होंने बात किया एमडब्ल्यूएएस के मेंबर्स के साथ, उनको गाइडलाइंस दी और नजफगढ़ थाना कर्मियों द्वारा जारी राशन भी वितरित किया। जी हां, हम आपको बता दें कि द्वारका जिला के डीसीपी नजफगढ़ थाना पहुंचे और लॉकडाउन से शुरू हुई नजफगढ़ थाने के द्वारा राशन वितरण की इस प्रक्रिया में सहभागिता की। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पहुंचे डीसीपी एंटो अल्फांसो ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ चर्चा की व उनको आवश्यक दिशा निर्देश। हम आपको बता दें कि जिला द्वारका के डीसीपी एंटो अल्फांसो ने स्वयं नजफगढ़ थाना में पहुंचकर नजफगढ़ थाने द्वारा नारायण सेवा के तहत संचालित जरूरतमंद असहाय गरीब लोगों की सेवा के कार्य को सराहा। वहीं नजफगढ़ मार्केट का दौरा करते हुए लॉकडाउन 4 की स्थिति और हालात पर जायजा लिया व तमाम पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वीडियो में आप देख सकते हैं, इस समय डीसीपी द्वारका एंटो अल्फांसो कर्मचारियों से बात कर रहे हैं व पुलिस कर्मचारियों की द्वारा शुरू की गई इस नारायण सेवा की भी उन्होंने तारीफ की। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि शुरू होते ही नजफगढ़ थाना अध्यक्ष सुनील कुमार मित्र व तमाम पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार गरीब जरूरतमंद ऐसा है लोगों के लिए पका हुआ भोजन वितरित किया गया और अब पूरे नजफगढ़ जिले के थाने के क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को सूखा राशन भी वितरित किया जा रहा है। लगातार विभिन्न सेलिब्रिटी, समाज सेवी, राजनीतिक लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और नजफगढ़ पुलिस कर्मियों की इस कार्यशैली की सराहना कर चुके हैं। वहीं आज पहुंचे डीसीपी ने SHO सुनील कुमार मित्तल के साथ चर्चा की, लॉकडाउन 4 की तमाम परिस्थितियों का, हालातों का जायजा लिया व पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लगातार नजफगढ़ थाना पुलिस कर्मियों के द्वारा लॉकडाउन 1 से लेकर के और वर्तमान समय तक विभिन्न गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों को राशन भोजन वितरित किया जा रहा है व तमाम तरह की जो सरकारी हिदायतें हैं या WHO के द्वारा जो हिदायतें जारी की गई हैं उनकी पालना सुनिश्चित कराने हेतु नजफगढ़ पुलिस सतर्क सजग नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीसीपी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों के साथ चर्चा भी की है, वे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।